मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस हियर क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट नेम इज इलेक्ट्रिसिटी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। नाउ इन दिस वीडियो वी एक्सप्लेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बाय कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक करंट्स की डायरेक्शन है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में होती है, ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक होती है। और ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड्स की तरफ क्या होता है, करंट्स का फ्लो होता है। नॉट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज समटाइम कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट्स। विजुलाइजेशन ऑफ करेंट, विजुलाइजेशन ऑफ करेंट, द फ्लो ऑफ करेंट कैन बी कंपेयर टू द फ्लो ऑफ वाटर, द मेटेलिक वायर कैन बी कंपेयर टू ए पाइप। मीन्स क्या है, जब मेटेलिक वायर की हम कंपेयर कर दें एक पाइप से, तो उस कंडीशन में क्या होता है, द फ्लो ऑफ करेंट, तो फ्लो ऑफ करेंट जो है उसको कंपेयर कर सकते हैं हम फ्लो ऑफ वाटर से, ठीक है। अगर मेटेलिक वायर के रिप्लेस पर हम क्या कर लें, एक पाइप ले लें, तो फिर क्या होता है कि जो जैसे पानी, जैसे वाटर का फ्लो होता है, उसी तरीके से करंट का फ्लो होता है, उसको सेम कह सकते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ए बी विल रिमेन द सेम एट ऑल क्रॉस सेक्शंस एक्स वाई एंड जेड इन द पाइप। कुछ वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है, पर सेकेंड के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है। ए बी विल रिमेन, जो ए बी है वो बिल्कुल सेम है, सेम ऑल द क्रॉस सेक्शन हर एक पार्ट पर एक्स वाई जेड, वहाँ पर पॉइंट क्रॉस सेक्शन के एरिया हैं एक्स वाई जेड क्रॉस सेक्शन से इन द पाइप। एट बी द वाटर हैज़ टू ऑप्शंस। उस जब बी कंडीशन पर आ जाता है तो उसके टू रूट्स होते हैं, या तो वाटर फ्लो करेगा बी टू सी एंड बी टू, ये ऑप्शन है उसके पास, टू रूट्स हैं, या तो बी टू सी की तरफ फ्लो करेगा एंड बी टू डी की तरफ फ्लो करेगा। सम पार्ट्स ऑफ द वाटर विल फ्लो बी टू सी एंड रिमेनिंग पार्ट्स विल फ्लो बी टू डी। इमेजिन थ्रू विच पाइप द रेट ऑफ फ्लो विल बी मोर एंड वाई। आपको ये सोचना है कि आप इमेजिन करिए कि जो वाटर का फ्लो होगा वो कहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो विल बी लार्जर फॉर ब्रॉडर पाइप। जो पार्ट क्या होगा, जो जहाँ पर जो पाइप होगा, अगर चौड़ा होता है, ब्रॉडर होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, फ्लो होगा उसका ज़्यादा, ठीक है। सिमिलरली अ करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी विल बी सेम वैल्यूज एक्स वाई एंड जेड। उसी प्रकार से अगर करंट की बात करें तो वो भी सेम एक्स वाई जेड पर वैल्यू सेम देंगी। इट विल बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स बी। यहाँ पर उस पर भी जो करंट्स है, करंट्स में भी सेम यही प्रॉब्लम्स आएगी, उसके भी टू रूट्स होंगे, ठीक है। सपोज अगर बी टू, उसके जो रूट हैं वो बी टू सी एंड नेक्स्ट बी टू डी, तो सच डैट आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। सो ए टू बी करंट आई, टोटल करंट आई, सो उसके रूट्स क्या हैं, आई वन एंड आई टू, फर्स्ट बी टू सी आई वन एंड आई टू, सो आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, ओके। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट। एंड इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए सेल, एंड इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए सेल और बैटरी, अ स्विच, अ रेजिस्टेंस, अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्टेड टुगेदर बाय मेटेलिक वायर। मीन्स क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो कंप्लीट होता है कैसे, अगर आप वहाँ पे कोई सोर्स लगा दें, सेल, आपने सेल राइड कर रखा है, ठीक है, सेल लगा रखा है वहाँ से, और एक आपने रेजिस्टेंस भी वहाँ पर क्या कर रखा है, उसको रेजिस्टेंस भी लगा रखा है जो सर्किट में कंप्लीट कर रखा है, जो एक वायर है उस वायर में अगर आपने पूरे सर्किट में सारी चीज़ें कंप्लीट कर रखी, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ सेल, बैटरी, जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो किस किस चीज़ से बनता है, सेल हो, बैटरी हो, रेजिस्टेंस हो, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं उसको, अगर आप जैसे बल्ब है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं, तो वो एक प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट को, ठीक है,
फॉर्म करते हैं। सर्किट्स जो होते हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। व्हेन नो करेंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट देन इट सेट टू बी एन ओपन सर्किट। मीन्स क्या है कि जिस सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होता, जिस सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। मीन्स क्या है, दिस हैपन्ड व्हेन द की इज ओपन विच क्रिएट्स ए ब्रेक इन द कंडक्टिंग पाथ। अगर सपोज उसमें कहीं से जो की है, ठीक है, तो वो की कहीं से क्या ओपन है, अगर वो या कहीं से ब्रेक हो गई है तो उसको क्या बोलेंगे, फिर वो ओपन सर्किट हो जाएगा, वहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, जैसे सपोज हमारा ये डायग्राम, इसमें आप देखेंगे डायग्राम्स का मीन से इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, फर्स्टली हमने क्या लगाया यहाँ पर, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, ये करंट को, ठीक है, करंट को क्या करता है, नियंत्रित करता है उसको, इसका वर्क होता है उसको देखना कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, उसको रियोस्टेट करता है, ठीक है, नियंत्रित करता है उसको। और प्लग की, ठीक है, ये अगर ओपन है तो क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, अगर ये क्लोज है, अगर ज्वाइन कर दी गई है तो फिर क्या होगा कि फ्लो हो रहा होगा। और ये आपका सेल है, यहाँ पे हमने लोड लगा रखा है, ठीक है, सेल लगा रखा है। और फिर यहाँ पे एमीटर, ये करंट को मेजर करता है एमीटर, ठीक है। और ये यहाँ पर हमने फिर वोल्टमीटर कनेक्टेड कर रखा है, ये वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमने रेजिस्टेंस का यूज़ किया है। अब रेजिस्टेंस क्या करता है कि जितना भी करंट आता है, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा करंट आया था तो उसको क्या कर देता है, अपने आप क्या हो जाता है, ठीक है, ये लेस अपने आप फ्यूज़ हो जाता है, बाकी करंट जो होता है वो रुक जाता है। तो और जो सारा वर्क सर्किट है वो वर्क क्या कर, उस समय कंडीशन में उसमें वर्क नहीं करेगा और अपने आप फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, और बाकी सर्किट को क्या कर लेगा, बचा लेगा। ओके, तो इस प्रकार से सारे जो प्लग की हुई, सेल हुआ, अनहेबिटर हुआ, ठीक है, इस प्रकार से सारा क्या होता है, एक सर्किट का निर्माण होता है क्या, ठीक है, सर्किट फॉर्म होता है। एंड टू ड्रॉ सर्किट डायग्राम एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर इज डिफिकल्ट एज वेल हैव टू ड्रॉ कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट यूज इन द सर्किट। कुछ ऐसे डायग्राम्स या ऐसे फिगर्स दे रखे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन टू इजी द प्रोसेस स्टैंडर्ड सिंबल्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। जिसकी कुछ सिंबल्स हैं जिसको इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज करते हैं, द लिस्ट ऑफ द सिंबल्स इज गिवन और द फॉलोइंग टेबल्स। तो वहाँ पर, ठीक है, गिवन्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सेल इसका सिंबल होता है, ठीक है, सेल बनाएंगे, फर्स्ट लार्जर एंड अदर स्मॉलर, तो एंड फर्स्ट जो लार्जर पार्ट्स है उसको बोलेंगे पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, ठीक है। एंड बैटरी में क्या होगा, अगर ये आपका इलेक्ट्रिक सेल है, अगर इलेक्ट्रिक सेल्स को द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, यहाँ पर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जो बैटरी होती है वो सेल्स को या वन टू सेल थ्री सेल फोर सेल कंबाइन करके बनाते हैं, एक बैटरी का जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बैटरी क्रिएट, ठीक है, बैटरी जनरेट हो जाएगी, यानी सेलों के, ठीक है, सेलों के कॉम्बिनेशन से क्या बनी है, बैटरी बनी। एंड नेक्स्ट कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है, तो वायर्स हैं ओनली सिंपल वायर, तो उसको आप स्ट्रेट लाइन्स में शो कर सकते हैं। कनेक्टिंग वायर्स ज्वाइनिंग, अब इसको जैसे ज्वाइनिंग हो रहा है तो फिर क्या, इस पर ये क्रॉस लगा देंगे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ज्वाइनिंग हो गया। एंड नेक्स्ट प्लग की, ठीक है, प्लग की और स्विच कैसा, ओपन, अगर ओपन है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सेम ये सिंबल हो जाएगा इसका। फिर क्या होता है, अगर क्लोज है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, पॉइंट, ठीक है, क्लोज में इसको लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ओपन में क्या होता है, पॉइंट्स नहीं लगता, ठीक है। एंड नेक्स्ट है टैपिंग की, ठीक है, टैपिंग की में क्या होता है, ये इससे ओपन रहती है, इससे क्या होगा, ओपन रहेगा, कनेक्टेड नहीं रहेगा। एंड एमीटर में क्या होता है, बस शो हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि करंट को शो करता है प्लस माइनस, और एमीटर जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है क्या, करंट, तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वैसे भी आपने होम्स में जो आपके यहाँ पर समरसिबल्स का जो मीटर्स होता है वहाँ पे भी आपने, ठीक है, आप देख लेते हैं कि एमीटर होता है। और एक है मिलीएमीटर में क्या होता है, एम ए ना, ये क्या शो करता है, मतलब ये भी करंट को शो करता है, लेकिन ये बहुत ही स्मॉलर
करंट को शो करता है, जैसे मिली एम्पियर है, ठीक है। मिली एम्पियर क्या होता है, एक स्मॉलर करंट्स को भी शो कर देता है, मिली 10^-3 होती है, ठीक है। 1 एम्पियर में कितने होते हैं, 1 मिली एम्पियर में 10^-3 एम्पियर होते हैं, तो ये भी करंट को शो करता है। एंड नेक्स्ट, कनेक्टिंग वायर नॉट ज्वाइन, अगर ये कनेक्टिंग वायर्स हैं तो आपने पहले एक लाइन्स बनाई, फिर उस पर कोई ज्वाइन नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से इसको राइट कर लेंगे। एंड रजिस्टर क्या होता है, सिर्फ ये सिंबल से इसका। एंड वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल में क्या होगा, सिर्फ आप इस पर क्या करा देंगे, एक एरो लगा देंगे। रियोस्टेट, ये आपका जैसे सेम सिंबल जैसे रजिस्टेंस का होता है, फिर वहाँ पे बस सिर्फ आपको एरो लगाना है इसके अपर से। वोल्टमीटर में, वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है जो वोल्टेज को मेजर करता है, उसको क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर। एंड गैल्वेनोमीटर जी, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जी सेमीटर में ए होता था, वोल्टमीटर में बी एंड इसमें सी, ठीक है। ये सिर्फ, ये क्या होता है कि ये सिर्फ करंट को करंट को इंडिकेट करता है कि भाई लेफ्ट में हो रहा है कि राइट में हो रहा है, सिर्फ ये बताता है कि करंट का फ्लो। ये सिर्फ ये शो नहीं करता कि करंट कितना आ रहा है, ठीक है, ये सिर्फ ओनली उसके ये बताएगा कि हाँ यहाँ पर करंट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, ये तो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल्स ये हो गया फ्यूज़, ठीक है, फ्यूज़ का सिंबल्स। एंड थैंक यू।